वेलकम टू भाई की पढ़ाई सब्सक्राइबर, और जिन्होंने नहीं किया वो कर दो। तो आज की हमारी पेशकश है हामिद खां, और इसके ऑथर है एस के पोटेट काट। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। तो एक दिन लेखक अखबार पढ़ रहा था और हेडलाइन थी तक्षशिला में आगजनी। अब इस हेडलाइन के दो शब्द आपकी समझ से बाहर हो सकते हैं। पहला तक्षशिला, भाई तक्षशिला एक जगह है, एक तक्षशिला इंडिया में भी है, पर इस चैप्टर में जो तक्षशिला है वो पाकिस्तान का है। और दूसरा शब्द आगजनी। दोस्तों, जैसे कुछ लोग किसी बात का विरोध करते हैं, या फिर बहुत सारे लोगों को कुछ बात पसंद नहीं आती है तो वो प्रोटेस्ट करने के लिए हर जगह आग लगा देते हैं, दुकानों में, बसों में, गाड़ी में, पूरे शहर में आग लगा देते हैं, उसको आगजनी कहते हैं। तो तक्षशिला में आगजनी, ये हेडलाइन जब लेखक ने पढ़ी तो उन्हें एक इंसान की याद आ गई जिसका नाम था हामिद खां। लेखक प्रार्थना करता है, हे भगवान, हामिद खां की दुकान आगजनी से बचा लेना। इससे ये पता चलता है हामिद खां लेखक का शुभचिंतक था जिनकी दुकान तक्षशिला में थी। तो आइए ये पता करते हैं कि हामिद खां कौन है, लेखक का और हामिद खां का क्या रिश्ता है, लेखक इससे कहां और कब मिले थे। ये सब पता करने के लिए हमें लेखक के फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। तो चलते हैं 2 साल पहले। लेखक तक्षशिला में पौराणिक खंडर देखने गया था। पौराणिक खंडर का मतलब पुरानी टूटी फूटी जगह, जैसे कोई पुराना टूटा फूटा किला हो गया। यार मेरे ये बात समझ में नहीं आती, लोगों को टूटी फूटी चीजें देखने में क्या मजा आता है। अगर इतना ही शौक है तो कभी आओ मेरी हवेली पे, मेरा पुराना टीवी देखो। जब मैं अपने भाई के साथ घर में क्रिकेट खेल रहा था तब वो टूट गया था। हाँ, फिर वो अलग बात है, बाद में पापा ने मेरी टांग भी तोड़ी थी। तो जब लेखक तक्षशिला गए तो वहां बहुत कड़कड़ाती हुई धूप थी। लेखक भूख और प्यास से मरा जा रहा था, उसका बुरा हाल हो गया था। वो तक्षशिला के गांव में एक होटल की तलाश में भटक रहा था, और फिर उसे रोटियों की खुशबू आ गई और वो उस होटल में मुस्कुराते हुए घुस गया। लेखक का मानना है कि दूसरे देशों में मुस्कुराहट ही रक्षक और सहायक होती है। यार क्या पता होती होगी, मैं तो अपने जिले से भी बाहर नहीं गया, दूसरा देश तो बड़ी दूर की बात है। तो जैसे ही लेखक ने होटल में एंट्री मारी तो देखा एक पठान अंगीठी पर रोटियां बना रहा है। पठान मतलब हमारा कोई मुसलमान भाई। तो वो पठान लेखक को घूरने लगता है। लेखक मुस्कुरा दिया, पर फिर भी पठान घूरता रहता है। तो लेखक बोल पड़ा, खाने में कुछ है? पठान ने जवाब दिया, चपाती और सब्जी है, आप बैठ जाइए। होटल में एक बुढ़ा हुक्का पी रहा था। फिर पठान बातचीत शुरू करता है। वो लेखक से पूछता है, आप कहां के रहने वाले हो? लेखक ने जवाब दिया, मालाबार। पठान ने पूछा, मालाबार? वो तो शायद हिंदुस्तान में है ना? तो लेखक ने बताया, हाँ हिंदुस्तान में ही है, चेन्नई से थोड़ा सा आगे। पठान ने फिर पूछ ही लिया, आप हिंदू हैं? तो लेखक बोला, हाँ। और कोई अच्छे खानदान की हिंदू लड़की आपकी नजर में हो तो जरूर बताइएगा। मजाक कर रहा हूं, एग्जाम में ये मतलब क्या आ जाना। तो उसने सिर्फ हाँ कहा। पठान आगे सवाल करता है, आप मुसलमानी में ही खाना खाओगे? लेखक बोला, क्यों नहीं, भारत में तो जिसे बढ़िया चाय पीनी हो और चावल खाने हो वो तो मुसलमानी होटल में ही जाता है।
पठान ने विश्वास नहीं करा। लेखक ने बताया कि हमारे यहां हिंदू मुसलमान में कोई फर्क नहीं है, सब मिलजुल कर रहते हैं। मुसलमानों ने भारत में जो पहला मस्जिद बनाया था वो मालाबार में ही बनाया था। भारत में तो हिंदू मुसलमान दंगे भी ना के बराबर ही होते हैं। भाई लेखक तो बातों में हो गया बिजी, पर मुझे तो लग रही है भूख, मैं तो खाना खाऊंगा। तो इसीलिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, इतने तुम भी कुछ खा लो।